हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। और गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए पिक्सआर का एक और नया एपिसोड। सो गाइस, पिक्सआर का जो पिछला एपिसोड था उसमें आप सभी लोगों ने देखा होगा, बहुत मेहनत करके कार्ड्स ढूंढ के जो है ना गाइस हम लोग लेके आ गए थे पिछले एपिसोड में। और अभी आज का ये वाला जो एपिसोड है, इस वाले एपिसोड में हम लोग कुछ ज्यादा ही खतरनाक सी चीजें करने वाले। वो चीजें कौन सी होगी वो बताने से पहले जुड़े बंदे होंगे, फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर और चैनल का सब्सक्राइब जरूर से कर देना। एंड अगर आप लोग को आर्क पीसी, आर्क मोबाइल, पिक्सआर्क वगैरह के सर्वर बनाने, सो नीचे डिस्क्रिप्शन में निट्राडो का लिंक है, वहां से आप लोग बना सकते हो। और पिक्सआर्क है आर्क प्लस माइनक्राफ्ट का कॉम्बो, क्योंकि गाइस इसमें ब्लॉक, ये क्या मिला मुझे भाई, यहाँ पे मुझे चेयर मिल गई भाई, अच्छी बात है। इसमें जो ब्लॉक सिस्टम है वो माइनक्राफ्ट वाला है, और डायनासोर सिस्टम जो है वो है आर्क वाला। तो गाइस अभी यहाँ पे ये चेयर जो मुझे मिली है, ये क्या है भाई, किसकी कुर्सी है बाबा, लगानी है क्या कहीं पे? ओ यहाँ पे मैं चेयर लगा सकता हूँ, बट चेयर लगाने के लिए मेरे घर पे जगह ही नहीं है। सांता क्लॉज की चेयर है ये भाई, रुक जाओ मैं छत पे लगाता हूँ। मुझे सांता अंकल जी की चेयर लग रही है बाबा, ठीक है मुझे सांता अंकल जी की नहीं है सीट। आहा, झूला झूलने के लिए आराम से बैठ के भाई आप हैं। अब बुढ़ी अम्मा वाली चेयर लग रही है मुझे तो, ये ठीक है, चलो इसको ऊपर ही लगा के रख देता हूँ मैं। एंड अभी गाइस हम लोग को जो है ना गाइस जाना है ऑयल फार्म करने के लिए। अभी ऑयल जो है ना गाइस उसके लिए मैंने फार्म करने के लिए पेट्रोलियम बैरल्स मुझे जरा देखने हैं कि पेट्रोलियम बैरल्स की जरूरत पड़ेगी हम लोग को। पेट्रोलियम बैरल्स की जरूरत पड़ेगी ये बना तो सकता हूँ मैं पेट्रोलियम बैरल्स, बट ये बनेंगे कहाँ पे इसके बारे में कुछ आइडिया यहाँ पे है नहीं। पेट्रोलियम बैरल्स कैसे बनेंगे, पेट्रोलियम बैरल के लिए क्या चाहिए, एक मिनट रुक जाओ। पेट्रोलियम बैरल्स के लिए पहले पेट्रोलियम चाहिए होगा क्या, क्या ऐसी कोई सीन है क्या, पेट्रोलियम बैरल्स बनाने का इस मुझे सबसे पहले उसके लिए हाइड हो रही है चाहिए। बैरल्स कहाँ बनेंगे बट ये, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोलियम का तो यही एक दिखाई दे रहा है बस खाली। और अगर मैं अपने इन्वेंट्री में देखूँ तो पेट्रोलियम बिल्कुल भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे पेट्रोलियम बैरल्स दिख सकते हैं, वो ये रहे पेट्रोलियम बैरल्स ना। मुझे इसके लिए लेदर और कॉपर इनगट चाहिए होंगे, और राइट सो मेरे पास लेदर जो है वो यहाँ पे ज़्यादा तो पड़ा नहीं है भाई, देवे कॉपर इनगट लेकिन काफ़ी सारे पड़े हुए हैं। रुको मैं कॉपर इनगट यहाँ पे डाल देता हूँ, और लेदर थोड़ा सा डाल के पेट्रोलियम बैरल्स हम लोग को बना लेने बराबर। तो मैं 6 पेट्रोलियम बैरल्स बना लेता हूँ, एंड थोड़ा और अगर लेदर मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि मेरे थोड़े और जो है ना मैं पेट्रोलियम बैरल्स फिर बना पाऊँगा। लेदर नहीं है मेरे पास, ऐसा हो ही नहीं सकता यार, लेदर तो हमारे पास भर भर के होना चाहिए। भाई मैंने लेदर कहाँ पर रख दिया, 3 लेदर है। मुझे लग रहा है कि जाके ना थोड़े अटैक कांड करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा लेदर नहीं है। ठीक है रुको भाई, पेट्रोलियम बैरल्स, ओके डोर बन रहे, रुको गाइस रुको, थोड़ा हत्याकांड करना पड़ेगा मुझे, थोड़ा हत्याकांड करना पड़ेगा ताकि मुझे लेदर मिल सके। और लग रहा है गाइस कि मुझे जाके इसको मारना पड़ेगा यहाँ पे भाई, फीमेल ट्राइक जो है गाइस यहाँ पे पोर्ट से शॉट से हेड शॉट चीलू। अभी यहाँ पे फटाफट से मैं पेट्रोलियम बैरल बनाने के लिए जो लेदर चाहिए वो इकट्ठा कर लेता हूँ। लगभग 20 या 30 वही गोल्डन ड्रॉप है वो, कहीं सामने की तरफ एक गोल्डन ड्रॉप दिखाई दे रहा है मुझे तो। रुक जाओ मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, पहले तो यहाँ से मैं मीट वगैरह इकट्ठा कर लूँ भाई, वो ड्रॉप गायब ना हो जाए भाई वहाँ पे पहुँचते। कितना मुझे भाई इस लेदर मिल चुका है, आई थिंक से 20 लेदर मेरे पास हो चुका है टोटल, और अगर थोड़ा मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। पीयू मिया को मारूंगा ना तो भर भर के लेदर मिलेगा। रुक जाओ मैं अपने जादू की छड़ी के ऊपर बैठ के यहाँ पे जा रहा हूँ इस ड्रॉप को लूटने के लिए। गोल्डन ड्रॉप है भाई ये तो, गोल्डन ड्रॉप में काफी अच्छी अच्छी चीजें। वो ड्यूड सेफ वॉल्ट मिल गई मेरे को, सच में भाई लिटरली मुझे वॉल्ट मिल चुकी है गाइस यहाँ पे, एक मजा ही आ गया। 60 पियो मियां अंकल बाय बाय। हाँ अभी इससे गाइस में लेदर काफी ज्यादा हार्वेस्ट कर सकता हूँ। पियो मियां जो है ना गाइस वो काफी ज्यादा मात्रा में लेदर देता है, 18 मिल गया टोटल लेदर। देखो सामने की तरफ, अरे यार मैं चिकन लेग पीस खाए जा रहा हूँ, मुझे खाने नहीं है। पट से पियो मियां, शर्ट से पट से पेटी, ओके। एंड यहाँ से मुझे अभी चाहिए भाई इसका जो लेदर है वो लेदर। पैची के बच्चे बीच में क्यों आ रहा है, मुझे हाइट जो है, हाइट नहीं सॉरी मीट ज़्यादा मिला है, मुझे लेदर जो है वो ज़्यादा नहीं मिला है। चलो कोई ना, इतने से जितने भी पेट्रोलियम बैरल बन रहे गाइस मैं बना लेता हूँ। एंड हम लोग चलते गए जब पेट्रोलियम की जो है ना गाइस एक नदी ढूंढने के लिए। सो हाउ मच पेट्रोलियम बैरल आई कैन मेक,
कैन आई रिपेयर माय टूल ब्रो, कैन आई रिपेयर दिस, कैन आई रिपेयर दिस, ना आई डोंट थिंक ब्रो, रुक जाओ मैं पेट्रोलियम बैरल जो है गाइस वो बना लेता हूँ। 33 पेट्रोलियम बैरल काफ़ी बढ़िया। मुझे ये कुछ मिला यूज आइटम, ब्लू प्रिंट है, वॉल्ट मिला, ये क्या चीज़ है, इंस्पिरेशन बुक, ये क्या है, लैम्प पोस्ट, ओए ये तो रोशनी देगा हम लोग को घर के अंदर। हाँ बट इसके लिए गैसोलीन चाहिए होगा, अनपावर्ड है भाई ये अनपावर्ड है। बाकी हमारे पास एक वॉल्ट भी आ चुके फ्री में। वॉल्ट को कहाँ पर रखूँ यार, वॉल्ट को कहीं रख ही नहीं सकता, रुक जाओ आगे जिसको पिकअप कर लूँ मैं। ए भाई लो यार, चलो डिमोलिश ही कर देता हूँ मैं भाई यार, रुको ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर रख देता हूँ, जब घर हमारा बड़ा बनेगा ना तब हम लोग ये सारी चीज़ें वहाँ पर लगाएंगे। हाँ ये डेकोरेशन की चीज़ें हमारे पास बस रहने दो। गैसोलीन मिल गया भाई मेरे को, ड्रॉप में से मुझे गैसोलीन मिल गया गाइज। ये क्या गोल्ड बार है क्या वो? हाँ गोल्ड बार भी मिल गई मेरे को। ये क्या चीज़ है, थैंक्स गिविंग टेबल, ठीक है ये देख लेता हूँ मेरे को भाई। मज़े ही मज़े आ गए गाइज, मज़े ही मज़े आ गए। खाना पीना तो मिला लेकिन गैसोलीन भी मिल गया, चलो अच्छी बात है। थोड़ा गैस भाई खाना पीना यहाँ पर रख देता हूँ, सारी चीज़ें हम लोग ने ले ली है, गैसोलीन भी यहाँ पर डाल देता हूँ मैं, बाकी डेकोरेशन कर लेता हूँ मैं घर को, फिर हम लोग चलते गाइज यहाँ पे डेकोरेशन 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 ओपी बोलते ब्रो, डेकोरेशन करेंगे हम लोग हमारे घर को। यहाँ पे ये दिल जो है गाइज वो लगा दूंगा एक यहाँ पे, आए लेट्स गो ओपी बोलते। बैरल कितने बज चुके हैं, 41 बैरल्स हम लोग ने ले लिए भाई पेट्रोलियम के। अभी मुझे गाइज ढूंढने के लिए जाना है, दरवाजा ओपन ही रख देता हूँ। अभी मुझे पेट्रोलियम जो है गाइज उसकी नदी ढूंढने के लिए जानी है, बट पेट्रोलियम की नदी मेरे हिसाब से तो डेजर्ट वाले बायोम में ही होती है जितना मुझे पता है गाइस। बट इस गेम में गाइस कहीं पे कुछ भी हो सकता है, कहीं पे कुछ भी मिल सकता है, इसलिए मैं थोड़ी रिसर्च करता हूँ पहले कि पेट्रोलियम की जो नदी है वो हम लोग को कहाँ पे मिलेगी। अगर वो डेजर्ट में मिल रहे तो हम लोग ने डेजर्ट वाला बायोम आपको बताइए गाइस ढूंढ रखा है ये ऊपर साइड है मैप के। अगर डेजर्ट में नहीं किसी और बायोम में मिल रही है तो वहाँ पे हम लोग पेट्रोलियम की नदी जो है गाइस वो ढूंढने के लिए निकल जाएंगे, ठीक है। तब तक मैं थोड़ी रिसर्च करके आता हूँ, रुको तब तक आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस। A few moments later. तो मैंने काफी ज्यादा गाइज यहाँ पे खोज करी कि हम लोग को पता चले कि ऑयल जो है गाइज उसकी नदी हम लोग को कहाँ पे कैसे कब मतलब कहाँ मिल सकती है। बट मुझे खास कुछ जो है ना गाइज यहाँ पे सफलता हाथ लगी नहीं है, मतलब रैंडमली कहीं पे भी जाओ लेकिन गुफा में जाओ, गुफा में जाओगे तो आपको ऑयल की नदियाँ मिलेगी, इतना बस बताया गया है। कहाँ पे नदियाँ मिल सकती है, कौन से बायोम में नदियाँ मिलने के हाई चांसेस है, इसका खास कुछ आइडिया किसी को भी नहीं है। सो हम लोग को ऐसे घने इट्स इज दैट ऑयल, इज दैट ऑयल, ना इट्स नॉट ऑयल। मुझे ऐसे स्ट्रेट वो लगाना, एक तो मुझे लगा कि ऑयल वगैरह है, ठीक है। सो हम लोग को यहाँ पे ऑयल ढूंढना है, ये रहा ये, इज दैट ऑयल। ओ भाई किस्मत तो तेरे भाई की है बहुत ही ज्यादा सॉलिड। हाँ भाई है गाइस, किस्मत है कि नहीं सॉलिड बताओ भाई मेरे, कोई खतरा है गया भाई? हाँ भाई बुर्जी बन गई बेचारे की, लावा में कूदा था जो भी था, मुझे मारने के लिए लावा में कूदा था, उसकी बैंड ही बच गई। सो यहाँ पे गई ऑयल है, ये रहा गई ऑयल, दिस इज ऑयल भाई, दिस इज ऑयल, दिस इज ऑयल। ये तो मेरे घर के साइड में ही है, ये मेरे घर के साइड में ही है। तो अभी यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल यार फाउंडेशन चाहिए होगी ना, फाउंडेशन के बिना काम नहीं बनेगा, मैं फाउंडेशन लेके आना भूल ही गया, रुक जाओ गाइस। तो हम लोग को यहाँ पे आना है और यहाँ से अंदर जाना है ना, ठीक है चलो मुझे समझ में आ गया है बात भाई, देख रहे हो किस्मत भाई, पहली बार भाई पिक्सार्क में हमारी किस्मत ने हमारा साथ दिया है, वरना तो हमेशा हमारी किस्मत फूटी रहती है, ठीक है भाई। मुझे चाहिए होंगे गाइस थोड़ी सी फाउंडेशन, सो आई हैव टू मेक सम थैच फाउंडेशन, फॉर दैट मुझे चाहिए होगा थैच एंड फाइबर। सो थैच एंड फाइबर, थैच थैच कहाँ से मिलेगा मुझे, यहाँ से ना, इनको उठाने से थैच मिल जाता है ना, बराबर ये थैच ही गाइस, जमीन पे जो घास फूस है इसको उठाने से थैच मिल जाता है, ठीक है इसको उठाने से थैच मिल जाता है। अगर टॉर्च वगैरह, अगर टॉर्च टॉर्च में बना सकता हूँ क्योंकि अंडरग्राउंड में मुझे टॉर्च चाहिए होगी। हाँ टॉर्च स्टैंडिंग टॉर्च, हाँ स्टैंडिंग टॉर्च मुझे चाहिए होगी। फ्लिंट फाइबर वुड भाई, ठीक है ये सारी चीज़ें मेरे पास है, वुड का जुगाड़ तो मैं कर लेता हूँ, ये वहाँ पर लगा के रख दूंगा ताकि रोशनी जो है गाइस वो हम लोग को मिलती रहे, बराबर डन। एंड फ्लिंट वुड चाहिए होगा ना, वुड तो मैं भाई यहाँ से ले लेता हूँ क्योंकि टॉर्च बिना वुड के चलेगी नहीं, ठीक है चलो वुड थोड़ा ले लिया मैंने। फाइबर चाहिए होगा मुझे ताकि मैं पहले फाउंडेशन बना सकूँ,
रुको फटाफट से मैं गाइस यहाँ पे फाउंडेशन बनाने का काम कर देता हूँ शुरू। ठीक है, फाउंडेशन फाउंडेशन बना लेनी है मुझे थैच की। बराबर कितनी बन रही है, 42। ठीक है, 42 से शायद से हमारा काम बन जाएगा। ज़्यादा वैसे फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर, लेकिन हम लोग को बड़ा वाला पंप लगाना है तो बोल भी नहीं सकते, ज़्यादा फाउंडेशन शायद से चाहिए हो। सो आई डोंट नो, मैं थोड़ी और फाउंडेशन यहाँ पे बना लेता हूँ, थोड़ी और फाउंडेशन, 18 फाउंडेशन, ओके इट्स मोर देन इनफ शायद से। ठीक है चलो, अभी मुझे यहाँ पे गाइस एक और चीज़ बना लेनी है, वो है स्टैंडिंग टॉर्चेस, जो कि हम लोग को नदी के वहाँ पे अंदर स्टैंडिंग टॉर्चेस है। बराबर ही है भाई, 1 2 3 4 5 6 6, बस ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं, ओनली 6। नाउ लेट्स गो। ठीक है, जो भी सामान चाहिए था हम लोग को मिल गया। ये आगे वाली गुफा है गाइस, ये वाली गुफा, यहाँ से हम लोग को जाना है निच्चू निच्चू जाके, यहाँ से भाई सीधा आगे आगे बढ़ते जाना है, आगे आगे बढ़ते बढ़ते सीधा यहाँ से जमीन के अंदर जाना था। भाई घूम गया मैं तो, मैं तो घूम गया यहाँ से क्या, ओ ये रही ना, अबे यार निकल लो यार, ये रही जगह ना, मुझे ज़मीन के अंदर जाना है भाई। यहाँ पे भाई मैं कहाँ पे था, उड़ी बाबा मैं तो घूम गया भाई सीधा सीधा, एक सेकंड में घूम गया मैं तो। रुको 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 गाइज, मैं घूम चुका हूँ, घूम चुका हूँ, वंस अगेन। अबे निकलने तो दो इस छेद से। हाँ ठीक है, रुकना मैं कहीं और ही मैजिकल वर्ल्ड में आ गया हूँ, रुको वंस अगेन, हम लोग चलते गुफा के अंदर। भाई मैं यहाँ से आ गया, मुझे वहाँ पे जाना है ना। हाँ रुको रुको रुको, यही गुफा है ना, ये पक्का, यही है पक्का वो गुफा, ये पक्का गुफा है। ओके सो यहाँ से हम लोग को इधर जाना है, इधर जाने के बाद इधर ये वॉल दिखेगी। ओ ये रही ये रही ये रही, मैंने टर्न रॉन्ग लिया था, मैं भी मैंने रॉन्ग टर्न ले लिया था। सो ये रही हमारी वो जगह जहाँ पे हम लोग को ऑयल जो है गाइस वो मिलने वाला है। बराबर, सो भाई कोई हमला करने नहीं आना, पहले बता रहा हूँ, हम लोग को यहाँ पे फाउंडेशन से लगानी पड़ेगी पहले। फाउंडेशन लगाने से उजाला हो रहा है, पहला जादू क्या हो गया, कैन फ्लिश थैच वाला। हाँ ठीक है चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको रिमूव कर दो मैं। यहाँ पे जगह चाहिए होगी थोड़ी सी हम लोग को, क्योंकि यहाँ पे पंप लगेगा ना, पंप तो भाई छोटी कोई चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है पंप तो अपना, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी जगह चाहिए होगी हम लोग को, लाइक दिस। एंड जो हम लोग को भाई यहाँ पे हाँ रॉक्स मिले, उनको हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देते ताकि हम लोग यहाँ पे थोड़ा और फाउंडेशन वगैरह लगा सके। यहाँ पे लाइट का भी जुगाड़ मैं कर रहा हूँ, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइट का भी जुगाड़ कर रहा हूँ। फाउंडेशन लगाने के बाद फ्री की लाइट वैसे मिली गई हम लोग को, ठीक है, ऑलराइट लाइक दिस नाइस। एंड यहाँ पे थोड़ी मिट्टी डाल दो भाई, एंड उसके ऊपर फाउंडेशन लगेगी। बराबर, नाउ स्टैंडिंग टॉर्च का यूज़ क्या है, मतलब लाइक चलती रहेगी हमेशा, या फिर एक्सेस इन्वेंट्री करके इसमें वुड डालना पड़ेगा ना, वुड डालना पड़ेगा, उसके बाद इसको लाइट कर सकते हैं। डन, ओके सो नाउ आई हैव टू, मुझे जो है गाइस ये पंप है, कांट प्लेस स्ट्रक्चर हियर, कांट प्लेस स्ट्रक्चर हियर, व्हाट कायकू कायकू भाई, मस्ट कंटेन अ पेट्रोलियम, कांट प्लेस स्ट्रक्चर हियर, कायकू भाई इधर नहीं स्ट्रक्चर लग रहा तुम्हारा कायकू, ओ मतलब मैंने, तुम बोल रहे हो जो मेहनत करी हो मेरी वेस्ट चली जाएगी बिकॉज भैटना जो भी है भाई, इन टुकले पिंटुकले चिंटुकले, क्योंकि ये पेट्रोलियम की वाइन जहाँ पे शुरू होगी यहाँ पे तो लगना तो चाहिए था ना यार, पेट्रोलियम तो मिल गया भाई, बट सवाल ये है कि है शुरुआत कहाँ से हो रही है पेट्रोलियम की, वहाँ पे लगाना पड़ेगा। नो ग्राउंड और स्नैप पॉइंट्स, ये है ना फाउंडेशन भाई, फाउंडेशन पे नहीं लगता क्या तू, इधर लग जा फिर, इसे घुमा देता हूँ तेरे को, नहीं ना यहाँ नहीं लग रहा, रुको मुझे सोर्स ढूंढना पड़ेगा,
मुझे गाइस सोर्स ढूंढना पड़ेगा। ओके आगे है क्या कोई और पेट्रोलियम? मुझे आगे देखने दो, शिफ्ट कर दूंगा सीधा मैं। अगर आगे मुझे एक और भाई तेल का कुआं मिला तो ये रहा। यहाँ पे लग रहा है क्या? बस देखना है, यहाँ लग रहा है तो यहाँ पे लगा देंगे ना। यस कैन आई प्लेस दिस ओवर हियर? भाई मैं तो अटक गया पेट्रोलियम में। ओके सो मुझे ये बताओ स्ट्रक्चर, कांट प्लेस स्ट्रक्चर हियर। वाय भाई काई को इसके अंदर ही डालना है ना। आउट ऑफ प्लेसमेंट रेंज पेट्रोलियम पंप, काय का प्लेसमेंट रेंज? यहाँ लगेगा ना? ओ अच्छा ये यहाँ से ऐसे खींचेगा। ओके समझ गया, मुझे वहाँ पे घुमा के एक बार देखना पड़ेगा। रुको लेट मी चेक, लेफ्ट से आया था राइट से आया था? यार मुझे खुद पता नहीं मैं लेफ्ट से आया था या राइट से आया था, पता नहीं यार। भाई यार मैं घूम गया हूँ भाई। यहाँ पे दो दो कुएं है गाइस, दो दो कुएं वैसे। शायद से मैं यहाँ से आया था, नहीं मैं आया कहाँ से था? वो यहाँ से आया था। ठीक है सो रुको, इफ आई पुट इसके अंदर डालूंगा तो चल जाएगा ना? एक मिनट रुक जाओ, इसको उठा लो भाई, इसको उठा लो, इसको उठा लो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल। सो इसको यहाँ पे लग रहा है, ये लगा बराबर, लग रहा था लग तो रहा था। नाइस वन, डन 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 डन। अभी यहाँ पे फाउंडेशन लगा देंगे लाइक दिस। फाइनली फाइनली लग तो गया फाइनली। ठीक है सो नाउ ये जो पंप है ये लगेगा यहाँ पर और इसको कनेक्ट करेंगी गाइस हमारी ये वाली पाइप लाइक दिस। ओए चिंगालाला हू, और यहाँ पे डालेंगे हम लोग पेट्रोलियम बैरल्स और पेट्रोलियम मिलना शुरू। तो ये फाउंडेशन का टाइम पास के लिए बनाया मैंने इतनी ज्यादा यहाँ पे, तुमको लगना वही पे था तो मैंने इधर। ओ स्पाइडरमैन गाइस, स्पाइडरमैन सामने एक स्पाइडरमैन दिखाई दे रही है। स्पाइडरमैन हमारे ऊपर हमला तो नहीं करेगी ना, क्या पता यार। स्पाइडरमैन की हेल्थ कितनी है भाई? रुक जाओ स्पाइडरमैन जी आपकी हेल्थ कितने है? 1300 हेल्थ है भाई जी की 1300 हेल्थ है ना। स्पाइडरमैन से डरेगा भाई? डरेगा जिम करे भाई। स्पाइडरमैन की बच्ची आ किधर आ भाई? तू मर गई यार, ये तो नूब स्पाइडरमैन थी, नूब स्पाइडरमैन है भाई, ये लो मर गई भाई। क्या स्पाइडरमैन बनेगी रे तू, क्या स्पाइडरमैन बनेगी? ऐसा थोड़ी होता है भाई, तू तो तुरंत मर गई स्पाइडरमैन। रुको इससे भाई थोड़े रिसोर्सेस ले लूं। मीठी दे रही है क्या स्पाइडर भी हमको? मीठी देती है, मीट और चिटिन देगी। चिटिन की जरूरत है गाइस हम लोग को अभी, सो इसलिए मैं चिटिन जो है गाइस वो फार्म कर रहा हूँ यहाँ से बहुत ज्यादा, जितना मिल सकता है उतना ज्यादा भाई चिटिन मुझे यहाँ से ले लेना है, क्योंकि चिटिन हम लोग को शायद से। ओए फायर मैजिक स्टोन मिल गया गाइस मुझे एक, ये काम आ सकते हैं हमारे वैसे, पता नहीं भाई। दो मिल गए मुझे स्टोन। ठीक है रुको, अरे किस्मत ही खराब, कुछ जलावा में कुदियो भाई कुदियो। मर गया लावा के अंदर, मर गया। ले 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 ले, क्या हुआ ब्रियो लावा में कूद के मर गया क्या? अरे सैड लाइफ बेचारा, बेचारे की सैड लाइफ भाई, लावा में कूद के मर गया भाई। वो चीता मुझे मारने की, ये लावा में भाई बंद करने की सोच रहा था लेकिन इसने अभी मुझे जस्ट बचाया है। सो इसको मैं ऐसे लगा के यहाँ पे रख दूंगा। ठीक है लेदर ही मिल रहा है क्या कुछ भाई? स्टोन वगैरह तो फायर मैजिक स्टोन वैसा कुछ। और जब तक हम लोग ये सब कुछ कर रहे हैं तब तक गाइस यहाँ पे हमारे पास पेट्रोलियम जो है गाइस वो जमा हो जाएगा उन बैरल्स के अंदर। सो कोई टेंशन नहीं है। मैजिक कोर मिल गया, मैजिक कोर लेकिन सड़ता है भाई, ये सड़ जाता है ना मैजिक कोर? नहीं सड़ता क्या? ठीक है मुझे लगा सड़ने वाला मैजिक कोर है ये। पिकैक्स भाई हाँ चलो आराम से ऊपर चढ़ा जाए भाई, लावा में नहीं गिरना वरना सीधा मृत्यु दंड मिलेगा लावा में गिरने से। यहाँ पे क्या हो गया भाई? ठीक है संभल के भी यहाँ पे इस तरीके से मैं फाउंडेशन प्लेस कर देता हूँ थोड़ी सी। ओए मरने का डर नहीं लगता बेटा तेरे को? यार ये कभी भी शुरू हो जाता है यार,
मरवा देता अभी मेरे को, लावा में गिर जाता मैं सीधा। यहां से हम लोग खुद लावा में ना गिरे इसलिए हम लोग एक सुरक्षा घेरा बनाएंगे ताकि मैं गलती से भी लावा के अंदर जो है गाइस वो गिर ना जाओ। यहाँ से जाते जाते फ्लो फ्लो में मेरे से ऐसी गलतियां जो है गाइस वो होती रहती है। ठीक है, सो पेट्रोलियम, अरे भाई भर भर के पेट्रोलियम गाइस यहाँ पे जमा हो चुका है, बस इसके अंदर लेके आ जाने बैरल्स, जितने ज्यादा बैरल्स रहेंगे उतना ज्यादा हम लोग को पेट्रोलियम मिलेगा यहाँ पे। सिंपल इज दैट ब्रो, ये लो भाई भराओ भरो, तुम बैरल भरो, हम लोग आते हैं बाहर से घूम के। चलो ए यहाँ पे और नदियां, ये तो मैंने देखा ही नहीं, ये देखो ये अभी अभी स्पॉन हुई क्या, दो और नदियां स्पॉन हुई है दो। अच्छा नहीं मैं वहां से आया था ना, मैंने पीछे साइड देखा ही नहीं, मैं यहां से सीधा नीचे चला गया भाई। दो और नदियां भाई यहाँ पे तो भर भर के ऑयल है गाइज, भर भर के ऑयल चाहिए तो तीन चार और मशीन लगा सकते बट नहीं लगानी अभी फिलहाल के लिए। चलो अभी हम लोग भाई घर पे आ चुके हैं, मैं लेके आ चुका हूँ अपने पास पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से मुझे गैसोलीन बना लेना है और उससे हमारा जो जनरेटर वगैरह है गाइस वो चल जाएगा। मैं यहाँ पे भाई ये नहीं करना था ना, ये तो नहीं करना था, अच्छी बात है हमारे पास फाउंडेशन पड़ी हुई है थोड़ी। ठीक है, सो गैसोलीन कहाँ पर बनता है, गैसोलीन यहाँ पे बने, अरे फोर्ज में बनेगा ना भाई मेरे गैसोलीन, गैसोलीन मुझे लेकिन इसको चलाने के लिए थैच चलता है क्या, अरे थैच भी चल जाएगा ना। चलो गैसोलीन दियो भाई मेरे को, लाइट फायर 26 गैसोलीन गाइस यहाँ पे बन रहा है और इसकी मदद से हम लोग जो है ना गाइस अगले एपिसोड में जनरेटर बना सकते हैं और एक बार जनरेटर बन गया तो हमारी अंडरग्राउंड माइनिंग जो है गाइस वो शुरू हो जाएगी, मतलब हमारा मेन वेज जो रहेगा वो रहेगा गाइस पिक्सार्क में अंडरग्राउंड, पूरा का पूरा अंडरग्राउंड जो ना जो मैं खाली कर दूंगा, वहाँ पे लाइट्स वगैरह लगाएंगे, अच्छी खासी वॉल्स लगाएंगे डेकोरेशन के लिए और भाई लैम्प शैम्प भी लगाने पड़ेंगे थोड़े से और गैसोलीन पेट भाई वो जो है ना कैसे अपना क्या बोलते हैं जनरेटर लगा के लाइट वगैरह वहाँ पे लगा देंगे और एकदम उजाला है उजाला। सो हमारा मेन पेज जो है कि जो अंडरग्राउंड रहेगा, ये सारी चीज़ें उठा के मैं अंडरग्राउंड ही डाल दूंगा वैसे बाय द वे। ठीक है, सो अभी के लिए काम करते हैं, हमारा मेन मिशन आज का था कि जहाँ पे गैसोलीन जनरेटर वो बना सकता हूँ क्या मैं, जेनी रैप्टर जनरेटर भी है गाइस यहाँ पे लेकिन इसके पॉलीमर चाहिए क्या भाई, फायरस्टोन आयरन इंगट और क्वार्ट्ज भाई ये पाई चीज़ें पड़ी हुई हैं, क्वार्ट्ज वगैरह पड़ा है मेरे पास, फायरस्टोन पाउडर वो भी भाई उसका भी जुगाड़ कर लेते हैं, फायरस्टोन पाउडर ये लो कितना चाहिए, ये लो फायरस्टोन पाउडर, उसके बाद ये पाउडर लो और ये भी लो, सब लो भाई कोई सीन ही नहीं है। एक मिनट रुक जाओ, अरे भाई कैंसिल फायरस्टोन पाउडर, हाँ सही है ना, डन ना, सारी चीज़ें बन गई ना, नहीं बन रही थी बट बीच में कैंसिल हो गई, बोन खत्म है भाई, चीटिन ये क्या भाई, चलो क्राफ्ट वापस से कर लो, चलो डन, फायरस्टोन पाउडर पाउडर बन गई है, गैसोलीन जो है गाइस वो भी हमारे पास 26 बन चुका है। अभी हमारे पास जितने ज़्यादा बैरल्स रहेंगे गाइस उतना ही ज़्यादा जो है ना कि हम लोग को फायदा, मतलब मुझे बैरल्स बनाते जाना है, मेरे पास लेदर काफ़ी ज़्यादा होना ज़रूरी है ताकि मैं बहुत सारे बैरल्स वगैरह जो है ना कि जो बना सको। एक काम कर देगा इस आज का एपिसोड ना द एंड करने से पहले हम लोग भर भर के ना बैरल्स बनाएंगे, बैरल्स बना के मैं वहाँ पे डाल के आ जाऊँगा। ठीक है, बैरल्स बनाने के लिए हम लोग को मेन चीज़ जो चाहिए वो है भाई हाइड, हम लोग को हाइड चाहिए भाई बहुत ज़्यादा मात्रा में, इतना ज़्यादा हाइड चाहिए ना मैं क्या बताऊँ आपको, हाइट नहीं मतलब लेदर चाहिए हम लोग को बहुत सारा, ओके लेदर चाहिए बहुत सारा और लेदर आपको भी पता है हम लोग को मिलता है गाइस इन मासूम से क्रीचर को मारने से, सो यहाँ से मैं लेदर इकट्ठा करता हूँ और लगभग 100 बैरल बना लेता हूँ, मैं 100 बैरल बनाता हूँ और 100 बैरल लेके जाके जो है ना गाइस रैबिट को मार, रैबिट तो भाई फर देता है हमको ना भाई, मुझे हाइड लेदर कौन देगा, ट्रैक दे सकता है भाई, ट्रैक लेकिन ज़्यादा नहीं देता, 84 लेवल का है, फ्यूमिया सबसे ज़्यादा जो है ना गाइस हम लोग को लेदर देते हैं इसलिए मैं भाई मैक्सिमम टाइम फ्यूमिया को मार देता हूँ, ये लेदर काफ़ी ज़्यादा देते हैं, देखो मैं 100 बैरल बनाता हूँ और वो डाल देता हूँ उधर। हाउ आर यू जी, पैची भी दे रहा है क्या, पैची भी लेदर दे रहा है थोड़ा फायदा भाई लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना मैंने सोचा था, लेदर के लिए सारे डायनो को मारना पड़ रहा है, 4 लेदर डोडो ने दिया, तू भी दे दे भाई 16 लेदर, भाई डोडो ज़्यादा लेदर दे रहे हैं अभी 16 लेदर भाई, 23 लेदर हो चुका है 27 टोटल। ठीक है, फ्यूमिया जितने भी डायनो दिख रहे भाई मेरा डैमेज बढ़ाओ, मेरा मिली डैमेज बढ़ेगा ताकि मैं भाई ज़्यादा लेदर वगैरह फार्म कर सकूँ। ये ले बेटा फ्योमिया, फ्योमिया से मिला 4, 9,
14 भाई 14 लेदर मिला है खाली भाई, व्हाट इज दिस बिहेवियर। पीटी आवारी पीटी का भी गेम बजा डाला यार मैंने। क्या मिला इसमें से? प्रैमल बोन पीसेस। ये बोन पीसेस किसी ना किसी काम आ जाएंगे वैसे हमारे। वो पीटी से लेदर मिल तो रहा है भाई, ओनली लेदर मिल रहा है। पीटी से 17 लेदर मिला टोटल। मजा फियो में आके बच्चे भाई, फुल लेदर इकट्ठा करके बैरल ही बैरल बना दूंगा पूरे। इतने बैरल बनाऊंगा ना, इतने बैरल बनाऊंगा ना, और बैरल एक बार जो है ना कि यूज हो जाए तो वापस नहीं मिलते हमको। वो मुझे भाई थोड़ी सी अजीब चीज़ लगी, वापस मिलने चाहिए थे, क्योंकि इतना लेदर कहाँ से लेके आए यार हम लोग। चलो एक काम करता हूँ मैं, ऑफलाइन में ना भर भर के लेदर इकट्ठा कर लूँगा, फिर अगले एपिसोड में हम लोग ना भाई लगभग 100-200 बैरल बना लेंगे, और उसकी मदद से जो है ना कि सीधा जाएंगे ज़मीन के अंदर पेट्रोलियम जो है गाइस वो फार्म करने के लिए। ठीक है, अभी जितने भी यहाँ पे क्रीचर है उन सबको मार मार के मैं भर भर के लेदर इकट्ठा कर रहा हूँ। ठीक है चलो गाइस, तो फिर आज का हमारा जो मिशन था गैसोलीन बनाने का, वो मिशन तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमारे पास गैसोलीन आ चुका है, बट मुझे और गैसोलीन चाहिए, और वो हम लोग इकट्ठा करेंगे अगले एपिसोड में। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में पिक्सार के, तब देख ले बाय। बाकी आज आपको पता चल गया होगा कि पिक्सार में जो है वो गैसोलीन जो है अगर आपको फार्म करना है तो आप लोग कैसे कर सकते हो। सो जो नए नए पिक्सार खेलने के लिए आए हैं उनके लिए आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहने वाली है। चलो तो फिर गाइस मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय मेरे भाई लोग। All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk.